उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक पौड़ी पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर निशंक ने जिला अस्पताल में मरीजों को फल और कंबल वितरित किए। वहीं निशंक ने यूके एसएससी और विधानसभा भर्ती घोटाले पर कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में कई घोटाले दब गए, जबकि दोषियों पर कार्रवाई हो ही नहीं पाई, लेकिन भाजपा के शासनकाल में भर्ती घोटाले के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। पौड़ी से मुकेश पचेती की रिपोर्ट। सरकार अब कोई ऐसी नीति बनाने चाहती है कि जो दूरस्थ क्षेत्र में रहेगी उनको क्या सुविधाएं होंगी, कितने साल तक कोई भी वहां पर काम कर रहे हैं तो उनको इतने वर्षों में पदोन्नति में या उनको कोई पैकेज के रूप में, ऐसी नीति गवर्नमेंट विचार कर रही है ताकि लोग नीचे से ऊपर आ सकें।